पब्लिक टीवी आपकी आवाज। टीवी के प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत में मुख्य पात्र युधिष्ठिर रहे गजेंद्र चौहान आज मुरादाबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सिनेमा की वर्तमान स्थिति पर खुलकर चर्चा की और राजनीति पर भी अपने विचार साझा किए। फिल्मों पर बात करते हुए बोले कि जब भी देश में चुनाव आते हैं तो एक नई बात शुरू हो जाती है, जैसे यूपी का महाभारत, दिल्ली का महाभारत। हर महाभारत में एक युधिष्ठिर की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार 2014 के चुनाव में देश की जनता ने मोदी को जिताकर देश का बागडोर सौंपी थी, वैसे ही अब होने जा रहा है। उस महाभारत में युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इस युग में भारत की जिम्मेदारी इस आधुनिक युधिष्ठिर रूपी मोदी को सौंपी गई है, जो निस्वार्थ देश सेवा में लगे हुए हैं। प्रयागराज में चल रहे कुंभ पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए बोले कि इस बार कुंभ में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तो इस बार के कुंभ को संस्कृति का कुंभ बना दिया गया है और आगामी 8 फरवरी को कुंभ की धरती पर महाभारत का जीवन नृत्य रूपांतरण होने जा रहा है, जिसमें वो सभी पात्र होंगे जो धारावाहिक के महाभारत में काम कर चुके हैं। ये सब मोदी और योगी सरकार की ही देन है, जो अपने देश की संस्कृति को बचाने और सजोने में लगे हैं। और एक बात और है, आगामी 2040-50 में लोग मोदी जी को याद किया करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव पर भी गजेंद्र चौहान ने खुलकर चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा मोदी जी की अगुवाई में क्लीन स्वीप कराने जा रही है और सभी टीवी चैनल के दावों को पीछे छोड़ते हुए वो इस बार 300 प्लस सीटें पाने जा रहे हैं। महाभारत के युधिष्ठिर ने मोदी को मॉडर्न ऑफ डेपलिंग इंडिया बताते हुए कहा कि अगर लोग उनके किए गए कार्यों का आकलन करें तो ये नाम बिल्कुल सही है। हर पल जीवंत है, तब जब भी इलेक्शन आते हैं तो आप देखते हैं यूपी की महाभारत, महाराष्ट्र की महाभारत, दिल्ली की महाभारत। तो इतना कंटेम्प्रेरी है ये शब्द कि जीवन के पल पल पे इसको हम इससे गुजरना पड़ता है, और वैसे भी जीवन में महाभारत तो लड़नी पड़ती है। मेरा मानना ये है कि आज हर पल पे इस देश में हर जगह एक युधिष्ठिर की आवश्यकता है। जिस तरह से हस्तिनापुर को युधिष्ठिर ने अकेले अपने भाइयों के साथ जिस तरह संभाला था, मुझे लगता है आज वैसे ही किसी व्यक्ति की आवश्यकता है इस देश में, इस देश को चलाने के लिए। और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तो कितना बदलाव आ रहा है, तो मुझे लगता है वो युधिष्ठिर का एक रूप है जिन्होंने उनका अवतार लिया है। और तेज़ी से जो है, जैसे युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर को संभाला था, वैसे इस भारतवर्ष को जो है मोदी साहब संभाल तो प्रगति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। पूरे विश्व में जो है भारत को जो सम्मान दिलवाया है उन्होंने, और जिस तरह से दिन रात बिना छुट्टी लिए 24 घंटे देश के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया युधिष्ठिर इस देश में आ नहीं सकता है। जिनके अंदर सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, सीखने की चीज़ें हैं इसमें, तो वो चीज़ें जो है जब जब हमारी नई पीढ़ी में मिस होती है। मैं तो दूरदर्शन से भी ये हमेशा आग्रह करता रहा हूँ कि ये जो दो धारावाहिक बने थे इनको रिपीट करते रहिए हर 5 साल के बाद, जैसे ही पीढ़ी चेंज होती है, क्योंकि नेक्स्ट पीढ़ी को क्या देना है वो इस देश के अधिकारियों का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है और हम सबका कर्तव्य है। युवा पीढ़ी को या नई पीढ़ी आने वाली को हम क्या देके जाएंगे जब अपना जीवन पूरा पार कर चुके होंगे, ये हम सबका कर्तव्य है। तो दूरदर्शन का भी ये कर्तव्य बनता है कि जो सभ्यता और संस्कृति 80s में रामायण और महाभारत से दिखाई गई उसको जो है दोबारा दोहराए और हर 5 साल के बाद दोहराए, ताकि नई पीढ़ी भी उससे जो सीख लेना चाहे वो ले सके। तो वो सांस्कृतिक कुंभ के नाम से कहलाया जा रहा है। मुझे याद है वो दिन जब योगी जी मुंबई आए थे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने निमंत्रण दिया था कि आप आइए वहाँ। उसका असर ये है कि बहुत सारे फिल्मी कलाकार आज कुंभ में जा रहे हैं। बाकी जो जन जन है इस देश का वो तो जा ही रहा है जिस तरह से हर साल जाता है, लेकिन पहली बार एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि 8 तारीख को शाम को महाभारत के पात्र लाइव महाभारत कुंभ के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका मैं भी एक अहम हिस्सा हूँ। और पहली बार महाभारत जो बहुत साल पहले बीआर चोपड़ा साहब ने टेलीविजन के पर्दे से दिखाई थी, उसको स्टेज के माध्यम से लाइव उसी तरह का म्यूजिक, उसी तरह के कॉस्ट्यूम, उसी तरह के डायलॉग्स वही दृश्य, तो महाभारत को एक जीवंत रूप में सांस्कृतिक कुंभ में जो है उसी सभ्यता और संस्कृति को दोहराने का एक प्रयास है। और मुझे लगता है कि लोग जो है जो भी कुंभ में उस वक्त वहाँ मौजूद होंगे वो